शासन स्तर पर जारी निर्देशों के अंतर्गत 1 जुलाई 2021 को सभी प्राथमिक विद्यालयों को ओपन किया गया। मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा के गांव हसनपुर गोपाल के प्राथमिक विद्यालय में भी अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने कार्यों में लीन दिखाई दिए। आपको बताते चले कि बीते एक वर्ष से कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया था और ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का काम किया जा रहा था। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ, वैसे वैसे सरकार नई गाइडलाइन के अंतर्गत नवीन बिंदुओं पर निर्देश दे रही है। 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि अभी बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा, सिर्फ टीचर्स ही स्कूल पहुंचेंगे और बच्चों के लिए आने वाले दिनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इन दिनों स्कूलों में बच्चों की ड्रेस को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। हसनपुर गोपाल गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा बताया गया कि वह अपने स्कूल के बच्चों को ड्रेस खरीद पाने के लिए उनके अभिभावकों के खाते में ड्रेस की धनराशि पहुंचाने का काम कर रही हैं। स्कूल खुल चुके हैं, सफाई व्यवस्था को मुकम्मल किया जा रहा है, पौधों को लगाया जा रहा है। जल्द ही आने वाले दिनों में सरकार द्वारा जैसे ही बच्चों के लिए निर्देश प्रसारित किए जाएंगे, वैसे ही तालीम को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम बीच बीच में हम आते रहे हैं विद्यालय में, जैसे कि कुछ अभी पीछे ग्राम प्रधान जी का स्वागत समारोह था, उनके शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय भी हमें उपलब्ध हुए और वैक्सीनेशन का काम हुआ था, वहाँ पे भी उनके टीम के साथ हम उपस्थित रहे थे स्टाफ सहित। दूसरी बात, जो बच्चों के लिए राशन वितरण के लिए पर्चियाँ उपलब्ध कराई गई थी उसको भर करके बच्चों को बांट दिया गया है और उसका राशन भी जो डीलर के द्वारा उनको दे दिया गया है। अब रही बात उसके जो उनका जो भत्ता जाना है उनको उनके खाते में, उसकी प्रक्रिया आज से जारी शुरू कर दी हमने और शीघ्र ही उसे 1 हफ्ते के अंदर उनके अंदर भेज दिया जाएगा। 1 हफ्ता इसलिए थोड़ा समय मांग रहे हैं क्योंकि कुछ खाते सत्यापन होना था, किसी खाते में गलत ना पहुंच जाए, इसलिए हम उनको जो है थोड़ा सा बुला करके कन्फर्म करना चाहेंगे कि भाई ये थोड़ा ठीक हो जाए। दूसरी बात, सफाई व्यवस्था हम आज से शुरू कर रहे हैं अपने, जो सारे कमरों की सफाई होगी, आज टॉयलेट से शुरू हो रहे हैं, कल कमरे से शुरू हो जाएंगे और सारे बच्चे जो है जो भी होगा व्यक्तियों से संपर्क कर करके उनको काम जो दिया जा रहा है पहले से ही, और उनसे यहाँ खुद हमने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें हम जो है उनके अभिभावकों से बात करते हैं और जो उनका रिप्लाई आता है उसको हम नोट करते रहते हैं, जिससे कि वो बच्चे के बारे में जो कंटेंट हम व्हाट्सएप पे या बच्चों के माध्यम से टीवी पे जो दूरदर्शन के द्वारा बच्चे देख रहे हैं उनके द्वारा उनसे उस बातचीत हो सके और उनको जो सुविधा हो सके।